कैसे फ्रेंड्स, मुझे तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ एक नन्ही सी जान क्यूट सी पिक करने। चले चल के देखते हैं और उसको पिक करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम पहुँच चुके हैं उस नन्ही सी क्यूट सी जान के पास और सबसे पहले उसके ओनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सद भाई? तबीयत ठीक है? जबरदस्त। मेरा नाम सलमान है और बस मेरा शौक था ये डॉग्स का कैनल भी मैंने ओपन किया सुपर हाईवे पे, तो बस एक्सपीरियंस ना होने की वजह से थोड़ा अपसेट रहा, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ ये दो डॉग्स हैं बस, एज अ शौकिया रखे हैं ये। अच्छा, और वो जो फीमेल आप मुझे दे रहे हैं छोटी सी क्यूट सी, वो उसकी क्या वजह है देने की? बस वो मुझसे बस इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसकी केयर कर पाऊँ, और वो असल में टॉय ब्रीड है तो ज़्यादा केयर मांगती है, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा कि चलो असद भाई को अपने दे देते हैं भाई को। तो है कहाँ वो, मैं तो बड़ा बेताब हुआ हूँ उसको देखने के लिए। हाँ भाई, यहीं कहीं घूम रही होगी। चलो फ्रेंड्स, उस फीमेल को देखते हैं फिर ग्रेडल्स के बारे में बात करते हैं। तो मुझे वो नन्ही सी जान नज़र आ गई है, चलें इससे मिलते हैं। ओए होए होए होए, क्यूट सी नन्ही सी जान ये है जो मैं आज पिक करने आया था। ये आप देख सकते हैं, ये छिड़जू की फीमेल है और बहुत क्यूट है, बड़ी प्यारी लग रही है मुझे। थोड़ी सी इसकी जो है ना कि कंडीशन रफ लग रही है, लेकिन उम्मीद है कि ये मेरे पास जाकर बहुत अच्छी रहेगी और इसको जाकर इसकी थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है, इसकी मैं केयर करूँगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगी। थोड़ी सी पीछे से मुझे ये वीक लग रही है, यहाँ से देखें आप, थोड़ी सी यहाँ से ये कमज़ोर है और थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है इसको, लेकिन ये काफ़ी जो है ना कि खूबसूरत है और छोटी सी साइज़ की है। तो ख़ास तौर पर आज जो है कि ये नन्ही सी जान मैं पिक करने आया था, और इसके बाद मैं बात करूँगा सलमान भाई से। सलमान भाई, ये तो मैंने देख ली, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी मुझे पसंद आई है, और इतनी छोटी सी है, क्यूट सी है, बहुत प्यारी लग रही है मुझे। और इनके बारे में बताएं आपके, ये इतनी छोटी सी एक रख के नन्ही सी जान और इतने जंबो साइज के डॉग्स का शौक कैसे हो गया आपको? बस ये मेरा एक शौक था। अच्छा। और काफी मुझे तो काफी डॉग्स का था और मेरे कैनल में माशाल्लाह से 50 प्लस थे डॉग्स। अच्छा। अब वो स्टार्टिंग में सिर्फ ना एक्सपीरियंस होने के बस उसमें जो है सारा लॉस में गया, फिर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से। हाँ, और आप मतलब डालते गए कुत्ते बढ़ाते गए संभाल ना पाए, ये हुआ। हाँ, संभाल नहीं पाया, मैंने बंदे भी रखे, सब कुछ किया, अपनी पूरी एफर्ट लगाई, लेकिन बस फेल होता गया। तो फ्रेंड्स, मैं तमाम व्यूवर्स को बताता हूँ, जो नए शायकीन होते हैं मैं बताता हूँ, और जो न्यू ब्रीडर्स होते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि फ्रेंड्स, आप शुरुआत जो है कम डॉग्स से करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, उसके बाद फिर आप मजीद डॉग्स में जाएं। ये सलमान भाई आपके सामने, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इनको किसी ने गाइड नहीं किया और ये शौकिया डॉग्स रखते गए बढ़ाते गए, और बढ़ाने के बाद प्रॉब्लम में आ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फिर इन दी एंड मैंने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूं बस बांटे हैं कि भाई ले जाओ मैं जान छुड़ाना चाहता हूं उससे, ले जाओ। अच्छा। तो फिर बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मेरे ब्लैक शेपर्ड्स भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके गए, फिर मेरे शिट्ज़ू थे काफी सारे, पक थे, ब्लैक शेपर्ड्स, ये वो सारी ब्रीड्स थी माशाल्लाह से, हस्की तक के थी, वाइट। हमारी पहले मुलाकात हो जाती तो काफी बेहतर हो जाता फ्रेंड्स, हमारी काफी लेट मुलाकात हुई है, शायद ये भी कराची में, मैं भी कराची में, इन्होंने भी कैनल, इनका भी कैनल था और मेरा भी कैनल था, मेरे पास भी काफी डॉग्स थे इनके पास भी, लेकिन इत्तेफाक हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, अगर होती तो शायद इनके डॉग्स में खत्म नहीं होने देता, उम्मीद मतलब मैं उम्मीद रखता हूँ खुद से कि नहीं होने देता, लेकिन नसीब में यही था, हो गया। तो नेक्स्ट आगे आपको जो है ना कि जो गाइडलाइन चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल जी। तो ये इनकी ब्रीड वगैरह आपने करवाई है? नहीं, ये असल में ये तो मेरे पास बचपन से ही था, जब से छोटा सा था तब से ही मैं इसको पाल रहा हूँ, लेकिन ये फीमेल जो है जहाँ से मैंने ली है उनके ऑनर का, मतलब कि मैंने खुद भी वीडियो इसकी देखी हुई है कि इसने ब्रीडर फीमेल है ये। ठीक है अब इनके साथ मैं फर्स्ट टाइम मेरे घर पे करेंगे ये ब्रीड्स। फ्रेंड्स, मतलब जैसे साइज होता है ना एंड, जिसको हम जो है ना क्या कहेंगे भाई, एंड साइज खूबसूरत जेंट साइज का स्वेग वाले डॉग्स, ये उसी तरह के डॉग्स हैं, लेकिन अगर हम ये डॉग रखते हैं अपने पास तो ये डॉग दो ही रख सकते हैं, हम उसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर हमारा शौक है कि हम 10 रखें, 8 रखें, 5 रखें, तो हम नहीं रख सकते, हम सिर्फ और सिर्फ ये दो डॉग रख सकते हैं, क्योंकि इनको वॉक, इनकी डाइट, इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के डॉग्स होते हैं ये। अभी ये भी मुझे जो है ना थोड़े छोटे नज़र आ रहे हैं, ग्रेट डन इससे भी बड़े साइज में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसी तरह आप, तभी आपने दो ही रखे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन बड़े खूबसूरत डॉग्स हैं, बड़े साइज के, जंबो साइज के, इसको डॉग्स कहते हैं। पाकिस्तानी बोली भी आते हैं इसी तरह के होते हैं, वो भी बड़े साइज में होते हैं, लेकिन ग्रेट डन फैंसी में आ जाता है, ग्रेट डन वो फिर फाइटिंग लाइन में चले जाते हैं, वो ज्यादा जोर लगाते हैं। सही है, बिल्कुल वैसे ही है। चलें फ्रेंड्स, ये पेयर इनके पास है
और इसकी ब्रीड वगैरह आई तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, ब्रीड हो तो ज़रूर बताइएगा हमें, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो, और कुछ कहना चाहेंगे व्यूवर से? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप काम स्टार्ट कैनल ओपन करना चाहते हैं तो 3 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 डॉग्स रखें, फीमेल्स रखें 4 और 1 उनका मेल रखें, और उससे आप अपना एक्सपीरियंस हासिल करें। उसके बाद आप 50 रखें, 100 रखें, फिर आपको कोई मतलब जितनी जेब ज़्यादा दे उतनी आप रख सकते हैं। शुरुआत मतलब कम से करें, शुरुआत आप कम से करें। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं भी यही समझाता हूँ कि कम से शुरुआत करें। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, डॉग्स का ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो किसी भी एक्सपर्ट से, अगर आपका कोई फ्रेंड हो या जो है ना कि आपका कोई रिश्तेदार हो जिसने पहले डॉग्स रखे हों, उससे मालूमात लेकर फिर डॉग्स रखें और उससे थोड़ी सी मालूमात लेते रहें, क्योंकि डॉग्स लेने के बाद इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे ज़ख्म हो जाना, ज़ख्म में मैकेट्स पड़ जाना और टेम्परेचर हो जाना, खाना ना खाना, कमज़ोर हो जाना, डॉग्स में ये आम आम जो है ना के मामले आते हैं, अक्सर होते हैं। और ये सिंपल हैं, आसान हैं, खुद ही अगर आपको कोई थोड़ा सा भी गाइड करता है जिसने डॉग रखे होंगे तो वो आपको कंप्लीट गाइड कर देगा, आप घर पे इसको बेहतर कर सकते हैं और उसको जो है कि दोबारा जो है ना कि बेहतर कंडीशन में ला सकते हैं। क्या बात है फ्रेंड्स, मुझे तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये फीमेल, और मतलब हल्ली क्वीन इस कलर को कहा जाता है, वाइट और ब्लैक स्पॉट काफ़ी खूबसूरत लगते हैं डॉग पे। मेरे पास डेलमेशन है, डेलमेशन मैंने इसी वजह से रखे हैं, छोटे साइज़ के हैं और मुझे काफ़ी वो जो है ना कि खूबसूरत लगते हैं कलर की वजह से, वो हंटिंग वगैरह में भी यूज़ होते हैं और काफ़ी एक्टिव होते हैं। हल्ली क्वीन ये ग्रेडन कहे जाते हैं, ग्रेडन का असल में ये होता है ग्रेडन को कि बड़े साइज़ के होते हैं, कलर तो खूबसूरत होता है लेकिन साइज़ की वजह से मैं नहीं रखता, क्योंकि इनको थोड़ा सा संभालना मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो जिस तरह सलमान भाई ने दो रखे हुए तो दो ही रखने चाहिए ये। और ये एक अलग ब्यूटी है, ये ब्लैक कलर में है और ब्लैक कलर अपने हिसाब से खूबसूरत होता है, ब्लैक के शायकीन ब्लैक पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कलर इसमें हल्ली क्वीन है। ये वाहिद ऐसा है जिसके यहाँ पूरे वाइट से जो है ना हर्ट शेप बनेगी। अच्छा जी, वरना ये इसको थोड़ा पूरे सीने को खोलेंगे ना दिल बनाया है पूरा। पूरे कराची पाकिस्तान में ऐसा है कि हाफ होता है अच्छा, या सिर्फ स्पॉट होता है हल्का सा, यहाँ पूरा इसका हर्ट शेप है। क्या बात है फ्रेंड्स, इसके बारे में मुझे नहीं था पता, इसके शायकी नहीं इसके बारे में जानते हैं तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हर्ट बना हुआ है, और ये मतलब बहुत कम ये देखने को मिलते हैं जी, बहुत कम होते हैं ये, बहुत मतलब कम इसको होता हम है, रेयर ब्रीड में शुमार कर सकते हैं, रेयर में कर सकते हैं कि हाफ होता है या स्पॉट होता है सिर्फ, लेकिन ये ऐसे पूरा शेप नहीं होता। ज़बरदस्त, और वो कहाँ गई, वो भाग गई फिर फ्रेंड्स। ये जो छोटी सी चुलबुली है ना, ये बार बार भाग रही है यहाँ वहाँ, मैं उसको पकड़ता हूँ, प्यार करता हूँ, फिर भाग जाती है, छोटी सी है, हाथ में नहीं आती, दोबारा ढूंढते हैं उसको। तो मैं इस नन्ही सी जान को लेकर जा रहा हूँ अपने साथ, सलमान भाई से लेंगे इजाज़त और इजाज़त के बाद हम चलेंगे अपने सफ़र की जानिब। सलमान भाई ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। जी फ्रेंड्स, तो इस नन्ही सी जान को मैंने रख लिया है अपनी गाड़ी में और रखूंगा अपने सफ़र को रवा दवा चैनल की जानिब। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।